हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं जूही। आज लड़का लड़की और वो कैरेमिनाटी के जो नए वीडियो आए हैं उसके ऊपर मैं रिएक्शन दूंगी। तो चलिए देखेंगे ये वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने अपनी 20 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है, प्यार, धोखा, बकचोदी, ज्यादातर बकचोदी, लेकिन आज जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो है एक ट्रायंगल, लव ट्रायंगल। किसके बीच? एक लौंडा, एक लौंडिया और ई बॉम्बे। आजकल के सीरियल अलग ही दुनिया में खेलना है। पहले सही होता था यार, एक बड़ा सा घर होता था जिसके अंदर परिवार के नाम पे पूरा गांव रह रहा है। भांजों के भी भांजे रह रहे हैं, मौसियों की भी मौसियां रह रही हैं, और अनगिनत पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, उनसे बड़े वाले पापा, सबसे बड़े वाले पापा और उनके भी पापा, जिनसे सबकी गांठ फटती है। खैर, पूरा शो एक दूसरे की जिंदगी झंड करने में निकल जाता था। लेकिन अब इस नए दौर में बहुत छिपकली का रूप लेके सास की गर्दन पे चिपकी कुछ भरोसा नहीं है। खैर, आज हम कुछ ऐसे ही जिंदगी पे सवाल उठाने वाले सीन देखने वाले हैं। तो आओ यार, अपने नाखून चबाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कॉन्टेक्स्ट: उसका परिवार रोजाना की बकचोदी से दूर चिड़ियाघर में आए हैं प्रोटेस्ट करने, लेकिन फिर अचानक थपकी आ जाती है। बट नो वन केयर्स। बकवास हो रही है। फिर पुलिस आ जाती है और सब गांड फटी में भाग जाते हैं, लेकिन चांदाल चाची अभी भी वही हैं। अब आगे, जब से बिहार ने उस बुढ़िया को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है तब से मैं सोच रही हूँ कि उससे बदला कैसे लूं। अब देखना, मैं तुम्हारी ही पत्नी को इस गोरिल्ला के हवाले करूंगी। इसकी मोटर कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। जब मैं गोरिल्ला को देखता हूँ तो मुझे लगता है, नहीं भैया, दूर रहो, कान फार सकता। लेकिन जब ये गोरिल्ला को देखती है, इसे दिखती है अपॉर्चुनिटी, मौका, मौका बदला लेने का। इस बात का बदला किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता। कोई दिया सही है, बकवास है पूरा। अपने हाथ में ताला लेके पत्थर मार रही है। ओ चौथी फेल मैडम, ये कैसा सनसनी चूतिया पा, नहीं ऐसे टूटते ताले, तोड़ दिया बहन चोट, शाबाश। ये कौन सा चिड़िया घर है, दिन दहाड़े ताले तोड़े जा रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा? मतलब जानवर जा रहा तो जाए, मार चुदा है। हम यहाँ बैठ के खाएंगे, हिलाएंगे और सो जाएंगे। वेरी गुड, अब भक्की को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना। खतरनाक है, हमें तो पता नहीं, डर भी नहीं लग रहा। बात कर सकती हो मेरे साथ? चलो, एक हिरन को अपनी स्टेटमेंट लिखवानी है। ये और बदला ले रही है या प्रैंक कर रही है? जो भी कर रही है तो मार नहीं रही है। गोरिल्ला के लिए फोन छोड़ दिया जिसमें घर की लोकेशन व्हाट्सएप कर रखी है, उसको फॉलो करके गोरिल्ला इनके घर आ जाता है। कमाल है, महंचो ऐसा चला गोरिल्ला इतने चूतिए से पार्क में कर क्या रहा था? रुक गोरिल्ला, उसने तुझे फोन दिया है ना, मैं तुझे ईयरफोन्स और स्पीकर दूंगा। और इधर, ये है मीवी के थंडर बीट ईयरफोन्स और मूनस्टोन स्पीकर्स, दोनों की ही साउंड क्वालिटी एक नंबर है। गिटार से लेके हारमोनियम सब बढ़िया बजता है, बैटरी लाइफ भी ज्यादा है। इन्हें तुम जंगलों में लेके जाओ, पहाड़ों पे लेके जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बेस इतना जबरदस्त, पूरी रात कूदता फांदता रहेगा। और एक बात मैं तुम सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ, मीवी अकेली ऐसी कंपनी है जो इस प्राइस पे इंटरनेशनल क्वालिटी देती है। चल तेरा हो गया काम, वो बर्तन मांजो। कितना खतरनाक गोरिल्ला है, तोहफे फेंक रहा है, तकिए फेंक रहा है, बिस्तर खराब कर दिया। इतना रियलिस्टिक आतंक दिखाते कैसे हैं ये लोग? वैसे तो गोरिल्ला छाती पीट दे इंसान की, लेकिन यहाँ तो कैचुम कैच चल रहा है। लग गई, किसने कही थी विराट कोहली बनने को, जबरदस्ती कैच पकड़ रही है। ये सही है, पहले खेलो और फिर जब लग जाए तो। कुछ
इसका मतलब कि मुझे चोट नहीं पहुंचाना। इसको सैलाब है। इसका मतलब तुझे पातू रखना चाहता है वो। खुद से मतलब मत निकाल, गोरिल्ला है, फाड़ के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगी। खैर इतनी देर में दोनों छोटी बड़ी भाभी गोरिल्ला को देख लेती है और उसके कान फाड़ देती है। फिर पूरा खानदान आ जाता है और गोरिल्ला को भगाने की नाकाम कोशिश करता है। भाभी जी वो गोरिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला नहीं। वो भी बेचारा सोच रहा होगा मेरे को औकात ही नहीं छोड़ी, बहन को कुत्ता बना दिया। लेकिन इस घर में सबसे चलाक है थपकी। वो अपने फोन में गोरिल्ला को खोल के कुछ ऐसा दे देती है जिसे देख के गोरिल्ला चौंधिया जाता है। थपकी और उसका परिवार गोरिल्ला को चकमा देके भाग रहे होते हैं, अचानक वो उनके सामने आ जाता है। फिर गोरिल्ला थपकी के पति को थपकी देके उसकी थपकी को बंदी बना लेता है और साइड में एस्थेटिक्स के लिए गैस भी लीक कर रही होती है। अब आगे बयानी क्या कर रहा है? गंदी जगह ध्यान, चिड़ियाघर से लोग आ गए, बेहोश करने का इंजेक्शन है इनके पास। उसके लगते हैं ये गोरिल्ला बेहोश हो जाएगा। ये हार्पिक की ड्रेस में चार चूते गोरिल्ला बेहोश करेंगे। अच्छी लंच में मेरा प्लास्टिक की बंदूक से बैक्टीरिया मारने आए। ऐसा चंट चूतिया मैंचर पति देखा तुमने कभी? इससे पूछो अगर माँ बाप को रिश्ते के लिए मनाना हो तो कैसे मनाएंगे? माँ और बाजी को सॉफ्टी खिलाएं। बेटा दुनिया आगे बढ़ जाएगी, तुम सॉफ्टी खाते रह जाओगे। सारे घर वालों के रिएक्शन एक ही बारी में नाप दिए और भाभी जी के तो 50 रुपए काटो। क्या सीन है, अलग ही पैशन है इनका। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज पे यही रिएक्शन होता है। कल मैं चाय बना रहा था और दूध फट गया। 1 2 का 4, 4 2 का 1। क्या स्क्रिप्ट है, वाओ सुपर। अब घर की सबसे चलाक सदस्य थपकी एक प्लान बनाती है। आप अपनी बंदूक नीचे रख दीजिए। हार्पिक बॉय। अच्छा बोला। इतनी उम्मीदें थी गोरिल्ला से, भैंस नकलची बंदर बना दिया। अभी डमरू बजा नाच के और दिखाएगा। अब चलो यार बस क्लाइमेक्स की तरफ चलो, और नहीं जला जा रहा। थपकी की चतुराई। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। साले इन शो बनाने वालों को कोई गोली खिला, क्योंकि ये लोग हकते जा रहे, कोई सीमा ही नहीं है। और ये साला गोरिल्ला है कौन? मैं पिछले 10 साल से फिजिकल थिएटर में हूँ और क्लाउन थिएटर में हूँ, और उसी की वजह से मैं आज ये सब बहुत ही बहुत इजीली कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। अबे साले माफ करना, मैं जो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ये शो चलते रहेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है नहीं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 1.7 1.7 मिलियन लाइक्स के लिए। अगर नहीं हुए ना तो गोली मार दूंगा। और मीमी की सेल चल रही है उनके टॉप 20 प्रोडक्ट्स पर। मेरा पर्सनल फेवरेट है मूनस्टोन, क्योंकि उसे कहीं पर भी ले जाओ कोई सीन ही नहीं होता है। बैग में टांग लो पीछे और चल दो, कोई टेंशन ही नहीं है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो। खैर मेरी तरफ से सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद। नया साल आएगा, नई बकचोदी लाएगा। बाय। मोहित कोयले लगाते हाथ सेकने। ये फालतू सीरियल में जो सब दिखाते हैं, जो ये ड्रामा मेलो ड्रामा, पापा जी, माता जी, बुआ जी, पूरा परिवार, ठीक है, जितना भी गरीब हो, जितना भी हालात ख़राब हो, वो सब चकाचक ड्रेस और मेकअप
थोप थोप के पूरा आ जाते हैं और सीन में बैठ जाते हैं, रोने रो रहे हैं तब भी मेकअप, हॉस्पिटल में है तब भी मेकअप, और कुछ भी हो, मतलब कोई मर गए, कुछ भी बात हो जाए, वही एक्सप्रेशन, और एक ही सीन बार बार थोप थोप के दिखाते हैं सबका वो चेहरा और ये एक्सप्रेशन ये सब. तो उसके ऊपर ही ये वीडियो है. और कैसे तरह से, मतलब किस तरह से ये फालतू के, मतलब कोई भी स्टोरी ज़बरदस्ती घुसा देते हैं सीन में, वो सीरियल को लास्टिक की तरह खींचते हैं और बोलते हैं ये सीरियल बहुत हिट, एक्सपेक्ट करते हैं कि दर्शक ये उसको वो सीरियल को बहुत बहुत पसंद करे, बहुत टीआरपी बने, ये सब एकदम फालतू है, कुछ नहीं होता, बेकार का टाइम पास होते हैं. गोरिल्ला जो जैसे सीन में एंटर होता है, जू में जाते हैं, वहाँ से आ जाता है मोबाइल लेके, मतलब फेक, फुल फेक और अनरियलिस्टिक ये सब पूरा स्टोरी, बकवास स्टोरी, फालतू स्टोरी, मतलब वो आधा घंटा पूरा बेकार है दिन के. तो ये कैरीमिनाटी के ये लड़का लड़की और वो गोरिल्ला है वो, और वो मुझे बहुत बहुत ही फनी लगे, और ये पूरा वीडियो भी मुझे बहुत बहुत फनी, और हंसते हंसते मेरा हालत, मुझे मेरा मतलब ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं सोच के, मतलब कोई भी ये सोच ही नहीं पाते हैं कि इतना फालतू बकवास चीज़ टीवी में कैसे दिखाते हैं. तो ठीक है, मुझे तो बहुत ही फनी लगे और बहुत मुझे ट्रूथ भी लगे, क्योंकि ये सब होते हैं सही में आजकल के जो वो सीरियल वगैरह ये सब में. तो आपको कैसे लगे ये रिएक्शन मेरे, ये वाला वीडियो कैरीमिनाटी के, और इसका अगर आप ओरिजिनल कंटेंट देखना चाहते हैं ये वीडियो के कैरीमिनाटी के, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लीजिए, तो ओरिजिनल वीडियो आ जाएंगे आपके. और अगर आपका कुछ नेक्स्ट वीडियो का रिक्वेस्टेड है ये चैनल में, जो आप मेरे साथ रिएक्शन देखना चाहते हो, तो उसका भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वीडियो के. और अब तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे ही कुछ एक्साइटिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर.